बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल सत्तार चांग, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंजाम शोरो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटर एंड आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द बीएससी क्लास। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, इंटर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन elements. Now first of all we are going to start the definition of the d block elements. What are d block elements? Agar hum simply inko define kare to hum keh sakte hain ki elements in which last electron enters into d orbital, enters into d orbital। या अगर हम ज़्यादा proper definition अगर हम इसको बयान करें इसकी, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि elements which have partially filled d orbitals in the ground state of free atom or in one or more of their ions। इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा हो, उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल्स क्या हों, पार्शली फिल्ड हों। या तो डी ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड हों उन एलिमेंट्स के किसी भी उन एलिमेंट्स के फ्री एटम में, या उन एलिमेंट के किसी भी स्टेबल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड हो तो उनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ट्रॉम इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, all these configurations are called partially, ये है partially filled d orbitals। और जो D10 है इसको हम कहेंगे completely filled d orbital। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर किसी भी एलिमेंट के फ्री एटम या उसी एलिमेंट के किसी भी स्टेबल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इस तरह की हो, मतलब कि उसमें जो अगर डी ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वैसे ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन
एलिमेंट्स सिर्फ डी ब्लॉक नहीं होते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो एक तो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है इनके फ्री एटम या किसी भी आयन में, और इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे होता है पार्शली फिल्ड एफ ऑर्बिटल। और आपको पता होना चाहिए कि पार्शली फिल्ड जो एफ ऑर्बिटल होता है वो जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो होंगी F1 to F13 एक्सेप्ट F14। तो दीज आर दी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड दी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो पार्शली फिल्ड की, ये पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की जो बात है, इनके एग्जांपल्स आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी फोर सीरीज हैं। एक होती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड इसी तरह सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा, ये जो सीरीज है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर है 21, और एंड होती है जिंक पे जिसका एटॉमिक नंबर है 30। ईच सीरीज ऑफ एलिमेंट कंटेन 10 एलिमेंट्स। नाउ स्कैंडियम के बाद दूसरी सीरीज है इट्रियम, इट्रियम 39 से स्टार्ट होती है, और ये इसका लास्ट एलिमेंट है कैडमियम 48। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनियम 57, और लास्ट एलिमेंट है मर्क्यूरी 80। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है, दिस इज कंसीडर्ड एज अ इनकम्प्लीट सीरीज, इसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे। वैसे भी इसको अभी तक भी इनकम्प्लीट सीरीज कंसिडर किया जाता है। ये जो सीरीज है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये होती है पीरियडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड, ये है सिक्स्थ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल, और ये है सेवन्थ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्योंकि 3D ऑर्बिटल फिल होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम देखें तो इसमें 3D ऑर्बिटल फिल होता है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को आप 3D सीरीज भी कह सकते हैं, 3D सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को आप 4D सीरीज भी कह सकते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को आप 5D सीरीज भी कह सकते हैं, 5D सीरीज, और इसी तरह फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को आप 6D सीरीज भी कह सकते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे हमारे सिलेबस में हमें फोकस करना है ओनली ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स,
तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम फोकस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, व्हाट आर दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैविंग पार्शली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, पार्शली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, दीज आर कॉल्ड दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज हैं, एक है लेंथेनाइड सीरीज या इनको हम सिंपली लेंथेनाइड्स भी कहते हैं, लेंथेनाइड्स, या इनको हम कहते हैं लेंथेनोइड्स, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी सीरीज है एक्टिनाइड सीरीज या इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स या आप इनको एक्टिनोइड्स भी कह सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम दी सीरियम 58 से स्टार्ट होती है और ये ख़त्म होती है ल्यूटिशम तक 71 तक। और एक्टिनाइड जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होती है थोरियम 90 से और ये ख़त्म होती है लॉरेंशियम 103 पे। तो इस सीरीज़ में भी 14 एलिमेंट्स हैं, इस सीरीज़ में भी 14 एलिमेंट्स हैं। वैसे कुछ जो ऑथर्स होते हैं वो लेंथेनियम के एलिमेंट को भी इंक्लूड करते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ में, और कुछ जो ऑथर्स होते हैं वो एक्टिनियम को भी इंक्लूड करते हैं एक्टिनाइड सीरीज़ में। बाकी आप ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं क्योंकि लेंथेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, एक्टिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल है, इसलिए कुछ ऑथर्स जो होते हैं केमिस्ट्री के वो लेंथेनियम को इंक्लूड करते हैं सीरीज़ में, कुछ नहीं करते। इसी तरह कुछ ऑथर्स एक्टिनियम को इंक्लूड करते हैं सीरीज़ में, कुछ ऑथर्स नहीं करते। आपके सिलेबस के हिसाब से आप इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, दिस सीरीज़ कंटेंस 14 एलिमेंट्स और ये भी 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ है, टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। तो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उसके आगे हम जो डिस्कस करेंगे, वैसे हमारे सिलेबस में जो है डिटेल है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम सीरीज़ को देखेंगे तो हम फोकस करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ पे, क्योंकि हमारे सिलेबस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ पे हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे हैं, तो अब हम आ रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल करेक्टरिस्टिक्स आर जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्कस करें, जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो वो किस तरह होती है, ns2 n-1 d1 to 10, या आप इस तरह लिख सकते हैं ns1 r2, क्योंकि कभी s में एक इलेक्ट्रॉन होता है कभी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ns1 r2 n-1 d1 to 10। अच्छा, याद रखें कि ये जो s ऑर्बिटल है इसको हम कहते हैं nth शेल का ऑर्बिटल, और ये जो d ऑर्बिटल है ये है n-1 शेल का ऑर्बिटल, और ये है लास्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल, और ये है
सेकंड लास्ट शेल या सेकंड आउटर मोस्ट शेल। तो दिस इज़ दी जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी, यहाँ पे हम फोकस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो फर्स्ट मेंबर है स्कैंडियम, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम 21। इसमें अगर आप देखें तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम करते हैं कंसिडर करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है इनर कॉन्फ़िगरेशन, ये है इनर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी इसकी वैलेंसी शो कर रहा है, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी इसकी वैलेंसी, क्योंकि एस ऑर्बिटल एज वेल एज डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इसलिए हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में हम डी ऑर्बिटल को भी मेंशन करते हैं एज वेल एज एस ऑर्बिटल को भी मेंशन करते हैं। तो जो इनर कॉन्फ़िगरेशन है, इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम सिंपली नोबल गेज से भी शो कर सकते हैं। तो आप स्कैंडियम 21 की कॉन्फ़िगरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप आर्गान से शो कर सकते हैं। बाकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 4s2 3d1। इसी तरह दूसरे जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। एटॉमिक नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब हम टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्योंकि हर एलिमेंट की इनर कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही होगी, आर्गन 4s2 3d2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी, आर्गन 4s2 3d3। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, जिसको हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गन 4s2 3d5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयरन 4s2 3d6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट आर्गन 4s2 3d7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल 4s2 3d8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, यहाँ पे फिर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की 4s1 3d10 एंड जिंक आर्गन 4s2 3d10। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो सारे के सारे जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें
सब एलिमेंट्स के एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्रोमियम के एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और कॉपर के एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ क्रोमियम एंड इन केस ऑफ कॉपर एस इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है टू द डी ऑर्बिटल। अब इस रीज़न को हम समझेंगे कि वाई, अब कुछ रीजंस हैं हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले रीज़न है वाई एस इलेक्ट्रॉन जंप्स टू डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। अब ये क्वेश्चन है, रीजन है, इसका आंसर क्या है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी आप हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्योंकि डी ऑर्बिटल्स पे फोकस कर रहे हैं तो हम डी ऑर्बिटल्स पे ही फोकस करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। दीज आर दी पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इन सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में से दिस कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड। हाफ फिल्ड और ये डी ऑर्बिटल है कंप्लीटली फिल्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दीज आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आप इस तरह का केस F सबशेल में भी कंसिडर कर सकते हैं, इस तरह का केस P सबशेल में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे D5 मतलब कि हाफ फिल्ड और D10 कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अगर आप देख लें D5 तो D5 सब शेल है, इसमें ऑर्बिटल्स होंगे फॉर एग्जांपल DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2 एंड DZ2। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो अकॉर्डिंग टू द हॉर्न्स रूल 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह रखेंगे, और अगर हम D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह लिखें, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह लिखें DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2 एंड DZ2, अगर इसको हम इस तरह लिखें तो दिस इज़ द D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखेंगे कि D5 में भी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है, और D10 में भी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है। जब भी किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है तो वो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। उसके भी आगे अगर हम डिटेल में जाएंगे तो उसके भी रीजंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। तो आप ये समझें कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी किसी सब शेल की, तो वो सब शेल ज़्यादा स्टेबल होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। अब हम आ रहे हैं कि क्रोमियम और कॉपर वाले केस में ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 24
तो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? एक होती है इसकी ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी है इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सपेक्ट हम कौन से कर रहे हैं? आर्गन। होना क्या चाहिए था कि एस ऑर्बिटल को हम फिल करते, उसके बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाते 3D में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोम में कैसे हो रही है? आर्गन 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन है और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इन दोनों सिचुएशंस को हम कंपेयर करें कि यहाँ पे एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है और डी ऑर्बिटल ना हाफ फिल्ड है ना कम्प्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब ये है कि क्रोमियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, क्योंकि इस सिचुएशन में दोनों ही ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं और दोनों ही ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसलिए दिस इज़ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दिस इज़ द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, जिसके रीज़न को हमने बयान किया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसी तरह अगर आप क्रोमियम पे जाएंगे, क्रोमियम 29, इसको अगर हम देखें, एक है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्जर्व्ड कौन सी है? आर्गन 4s1 3d 10 और एक्सपेक्टेड कौन सी है? आर्गन 4s2 3d 9। नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं? एस को कम्प्लीटली फिल्ड करके उसके बाद डी में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एस में एक इलेक्ट्रॉन है, एस हाफ फिल्ड है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं। अगर हम दोनों ही सिचुएशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस एस ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, यहाँ पे जो डी सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और यहाँ पे एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है और डी ऑर्बिटल ना कम्प्लीटली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। तो दिस कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, इसलिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्रोमियम की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है और कॉपर की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है। सो दिस इज़ अ रीज़न। उसके बाद दूसरा रीज़न है वाई When cations are formed, electrons are removed from s orbital, not from d orbital. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब भी ट्रांजिशन मेटल का कोई केटाइन बनता है तो हम इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करते हैं वो एस ऑर्बिटल से रिमूव करते हैं, जबकि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के रिमूव भी डी ऑर्बिटल से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हम करते हैं वो करते हैं फ्राम दी एस ऑर्बिटल, नॉट फ्राम डी ऑर्बिटल। अब इसके एग्जांपल को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल हम जा रहे हैं आयरन एटम, आयरन का फ्री एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, या हम शॉर्ट में लिख लेते हैं आर्गन 4s2 3d 6। अब फॉर एग्जांपल ये आयरन का एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं इसमें से, दो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जाम्पल रिमूव कर रहे हैं। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो ये हो जाएगा Fe+2, आयरन 2 प्लस आयन। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 3D से तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d 4,
अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 4s से, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी 4s0 3d6। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर द आयरन टू आयन। जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो है, ये रॉन्ग है, दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जब भी किसी भी ट्रांजिशन मेटल फ्री एटम से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है फ्रॉम द एस ऑर्बिटल, नॉट फ्रॉम डी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे भी एक रीज़न है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, जब भी कोई फ्री एटम, खास करके हम बात कर रहे हैं स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स की, तो जब भी कोई ट्रांजिशन मेटल फ्री एटम, जब भी उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो वो क्या बन जाता है, केटाइन और पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो यहाँ पे रोल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, तो इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है, और आयरन 2 प्लस आयन में जो आयरन 2 प्लस आयन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिफरेंट है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो अफेक्ट करती है वो ऑर्बिटल्स की एनर्जीज को भी अफेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन के जो एटम है फ्री एटम, उसमें लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एस है, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, 3d है। मतलब कि 4s ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द 3d ऑर्बिटल इन केस ऑफ द आयरन फ्री एटम। अगर आप आयरन 2 प्लस आयन की बात करेंगे, तो यहाँ पे सिचुएशन टोटली इनवर्स हो चुकी है। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे 3d ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द 4s ऑर्बिटल, दैट्स वाई सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 3d ऑर्बिटल में, और 4s ऑर्बिटल जो है वो रिमेन वैकेंट। तो दिस इज एन अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करें फ्रॉम एनी ट्रांजिशन मेटल, तो आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं फ्रॉम द एस ऑर्बिटल, नॉट फ्रॉम द डी ऑर्बिटल। उसके बाद रीजन है व्हाई दीज एलिमेंट्स, व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका रीजन क्या है कि व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज दीज एलिमेंट्स शो ट्रांजिशनल बिहेवियर बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि जब हम एस ब्लॉक से जाएंगे तो द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक एलिमेंट से पी ब्लॉक एलिमेंट तक जो जो प्रॉपर्टीज में चेंज आ रही है, हम ये कह सकते हैं कि दीज एलिमेंट्स शो चेंज इन द प्रॉपर्टीज फ्रॉम एस ब्लॉक टू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक तो ये रीज़न है, एंड अदर रीज़न व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। अब हमें एक होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरे क्या पढ़ के आए हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन और इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ दैट शुड बी द रीजन के डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 N-1
D1 to 10। F ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 N-1 D1R0 N-2 F1 to 14। तो अगर हम इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करें तो ये ऑर्बिटल है लास्ट शेल का और ये ऑर्बिटल है सेकंड लास्ट शेल का। यहाँ पे देखें, दिस इज ऑर्बिटल ऑफ लास्ट शेल और ये है सेकंड लास्ट शेल, सेकंड लास्ट शेल और ये है थर्ड लास्ट शेल। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो जाते हैं डी ऑर्बिटल में और डी ऑर्बिटल इज़ द ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड लास्ट शेल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो जाते हैं एफ ऑर्बिटल में एंड एफ ऑर्बिटल इज़ द ऑर्बिटल ऑफ द थर्ड लास्ट शेल। इसका मतलब है अगर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सेकंड लास्ट शेल के ऑर्बिटल में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं थर्ड लास्ट शेल के ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इनर शेल के ऑर्बिटल में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसकी कंपेयर में आउटर शेल के ऑर्बिटल में। तो इसलिए हम कहते हैं दीज आर दी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दीज आर दी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे N-2 F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पे N-1 D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा है उनको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे F ऑर्बिटल इज इनर ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू D ऑर्बिटल। सो दीज आर द इनर ट्रांजिशन, दीज आर दी आउटर ट्रांजिशन। एक अदर रीज़न है वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? हम जो डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो या तो पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल हो। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो या तो किसी भी फ्री एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो या तो उस एलिमेंट के किसी भी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं जिंक, तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो किस तरह होगी? आर्गन 4s2 3d10। अगर आप जिंक का आयन कंसीडर कर लें, जिंक +2 30, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे s ऑर्बिटल से एंड 3d10। तो आप देखेंगे कि जिंक के फ्री एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 सिस्टम है। इसका मतलब है देर इज़ नो पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल इन केस ऑफ जिंक फ्री एटम एंड देर इज़ नो पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल इन केस ऑफ द जिंक आयन। ना जिंक एटम के केस में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ना जिंक आयन के केस में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसलिए जिंक विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कंसिडर करते हैं? अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर 29 एटॉमिक नंबर, 1s आर्गन, आर्गन 4s1 3d10, यहाँ पे भी d10 सिस्टम है। लेकिन अगर हम कॉपर +2 आयन या कॉपर +1 आयन कंसीडर करें या +1 आयन कंसीडर करें सॉरी +2 आयन, तो आर्गन यहाँ पे हो जाएगा 4s0 3d
9। तो कॉपर के फ्री एटम में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, लेकिन कॉपर के प्लस टू आयन में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद है। तो अगर एटम में या किसी भी आयन में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद है तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो जिंक इज कंसीडर्ड एज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये हैं कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। वैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम इनको भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हम लिख के आए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कैंडियम टू द जिंक, ठीक है। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हम जिंक को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। अच्छा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बुनियाद पे हम इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, काफ़ी ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो जिंक की ट्रांजिशन एलिमेंट से मतलब के मैच नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी, लेकिन जिंक की जो वैलेंसी होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, प्लस टू। जिंक प्लस टू के अलावा कोई भी ऑक्सीजन स्टेट कैरी नहीं करता। और बहुत सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन जिंक के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट या कलरलेस होते हैं। तो जिंक की जो काफ़ी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स से मैच नहीं कर रही, इसलिए हम जिंक को। और इसी तरह अगर आप कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, मर्क्यूरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो आपको कभी भी पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी। तो दीज आर दी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम मोर वीडियोज़, बहुत सारी वीडियोस केमिस्ट्री से रिलेटेड बनाएंगे और अपलोड करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं अपना चैनल भी इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा, मैं अपना चैनल भी जल्दी बनाऊंगा, उस चैनल पे भी वीडियोस अपलोड करूंगा। लेकिन फ़िलहाल कुछ जो वीडियोस हैं इस चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।